कहा, लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगी। यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। चुनाव की तैयारी और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। बाबा साहेब की पुण्यतिथि को लेकर भी निर्देश देंगे। आज 11 बजे बीएसपी कार्यालय पर ये अहम बैठक होगी। संवाददाता संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, चुनाव को देखते हुए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, बीएसपी भी अब पीछे नहीं रहना चाहती, अब बड़ी बैठक बुलाई गई है मायावती की तरफ से, क्या कुछ मंथन किया जाएगा? बिल्कुल, अभी तक 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में सक्रियता बीएसपी ने बरती है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर मिजोरम की बात करें, या फिर सीधे तौर पर राजस्थान की बात करें। अब इन 4 राज्यों के चुनाव की लगभग जो है वोटिंग है 30 तारीख को, और बाकी जगहों पर चुनाव हो चुके हैं। तो अब लोकसभा की तैयारियों को लेकर के सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती जुड़ गई हैं, और आज राजधानी लखनऊ के स्टेट कार्यालय में जो उनका ऑफिस है बीएसपी का, वहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के जो जिलाध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और जो तमाम और बड़े जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनका जमावड़ा होगा, और 11 बजे उन्हें गुरुमंत्र देते हुए नजर आएंगे कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से लड़ना है, किन किन मुद्दों पर चोट करना है, खास करके खिसकते बेस वोट बैंक को कैसे सहेजना है, और पूरी तरीके से ताकत के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसपा को चुनावी मुद्दे पर लौटना है। तो कहीं ना कहीं मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 6 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो ऐसे में उसकी तैयारियां भी की जाएंगी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर हो या राजधानी लखनऊ हो या यूपी के और कई जनपदों में बड़ी कहीं ना कहीं उत्साह से इस पूरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो ऐसे में उसकी तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा, और खास करके बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह कह रखा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, लोकसभा में वो अकेले, किसी भी गठबंधन में, न एनडीए में और न एनडीए में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में भी चर्चा की जाएगी कि कहां पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। ठीक है, बने रहेंगे संजय आप हमारे साथ, आगे बढ़